बच्चों में विकासात्मक विकार, विकासात्मक देरी क्या है? विकासात्मक देरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रीस्कूल के बच्चे अपनी उम्र के उपयुक्त कौशल हासिल करने में विफल रहते हैं। देरी की गंभीरता हल्के से गंभीर तक भिन्न होती है। विकासात्मक देरी के कारण क्या हैं? विकासात्मक देरी का कारण अभी भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन ज्ञात कारकों में अनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण हैं। जन्मजात कारकों में अनुवांशिक या क्रोमोसोमल रोग शामिल हैं। गर्भावस्था और प्रसव के कारकों में गर्भावस्था के दौरान नशीली दवाओं का सेवन या अत्यधिक शराब का सेवन, जन्म की जटिलता और समय से पहले प्रसव शामिल हैं। अधिग्रसित कारकों में शिशु और बचपन की बीमारियां, विष, मस्तिष्क की चोट, इंसेफलाइटिस या मस्तिष्क आघात शामिल हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे कि माता पिता काम में व्यस्त हैं, उपयुक्त सामाजिक या भाषा की कमी के कारण बच्चों के विकास पर भी असर पड़ेगा। हालांकि विकासात्मक देरी का कारण अभी भी कई बच्चों में अज्ञात है। विकासात्मक देरी वाले बच्चों के लक्षण क्या हैं? विकासात्मक देरी वाले बच्चे प्रारंभिक विकासात्मक मील के पत्थर प्राप्त करने में देरी दिखाते हैं। 6 महीने की उम्र में बच्चे अभी भी अपने सिर को स्थिर नहीं रख सकते हैं या अपने हाथों से वस्तुओं को नहीं पकड़ सकते हैं। 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपने अंगूठे और तर्जनी के साथ छोटी वस्तुओं को पकड़ नहीं सकते या खड़े होने के लिए फर्नीचर को पकड़ नहीं सकते। 1.5 साल की उम्र में बच्चे अकेले नहीं चल सकते। 2 साल की उम्र में बच्चे कार या कुत्ते जैसे एकल शब्द नहीं बोल सकते या सरल निर्देशों का पालन नहीं कर सकते, जैसे मम्मी को दो। 2.5 साल की उम्र में बच्चे कागज पर कलम से नहीं लिख सकते हैं या शब्दों को वाक्यांशों में नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि केक खाओ, दूध पियो। 3 साल की उम्र में बच्चे सरल वाक्यों में बात नहीं कर सकते हैं, जैसे मुझे बिस्किट चाहिए या मूल रंगों और आकृतियों को नहीं मिला पाते। विकासात्मक देरी बच्चों को कैसे प्रभावित करती है? बच्चे एक या कई क्षेत्रों में देरी दिखा सकते हैं। इन क्षेत्रों में शामिल हैं बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमता। बौद्धिक और संज्ञानात्मक क्षमता में सीखने, सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता शामिल है। भाषा की क्षमता। भाषा की क्षमता में मौखिक समझ, अभिव्यक्ति और बोलने का विकास शामिल है। सकल पेशी क्षमता। सकल पेशी क्षमता में विकासात्मक मील के पत्थर शामिल हैं, जैसे कि बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना और कूदना। शरीर की शक्ति, संतुलन और अंगों का समन्वय। सूक्ष्म पेशी क्षमता। सूक्ष्म पेशी क्षमता में आंख हाथ समन्वय और उंगली की निपुणता शामिल है। पकड़ की ताकत और पूर्व लेखन कौशल। सामाजिक अनुकूलीय कार्य। सामाजिक अनुकूलीय कार्य सामाजिक और संचार कौशल जैसे कौशल को संदर्भित करता है। स्व देखभाल और बुनियादी दैनिक जीवन कौशल। कारण में व्यक्तिगत अंतर होने से हानि की डिग्री और विकास के माहौल के कारण विकासात्मक देरी वाले बच्चे अपने प्रदर्शन में भिन्नता दिखा सकते हैं। विकासात्मक देरी वाले बच्चों का दृष्टिकोण क्या है? पूर्व स्कूली वर्षों में विकासात्मक देरी अन्य विकासात्मक विकलांगताओं का एक लक्षण हो सकता है। जैसे जैसे बच्चे स्कूल की उम्र तक पहुंचते हैं, उन्हें संचार संबंधी कठिनाइयां, सीखने की समस्याएं और यहां तक कि भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए समय से इसकी पहचान और हस्तक्षेप इन बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं और आगे की हानि की रोकथाम में महत्वपूर्ण होता है। यदि माता पिता को अपने बच्चों में विकासात्मक देरी होने का संदेह है तो वे कहाँ से मदद लें? प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए माता पिता मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र या निजी चिकित्सक के पास जा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आगे के आकलन के लिए बाल मूल्यांकन केंद्र या अस्पताल के बाल रोग विभाग में रेफरल किया जा सकता है। विशिष्ट क्षेत्रों में विकासात्मक देरी वाले बच्चों के लिए डॉक्टर उन्हें फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा या भाष्य चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए संदर्भित करेंगे।
वैश्विक विकासात्मक देरी वाले बच्चों के लिए उन्हें प्री स्कूल रिहैबिलिटेशन सर्विस की सलाह दी जाती है, जिसमें ऑन साइट रिहैबिलिटेशन सर्विस, अर्ली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और प्री स्कूल रिहैबिलिटेशन सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्पेशल चाइल्ड केयर केंद्र भेजा जाएगा। माता पिता विकासात्मक देरी से ग्रसित अपने बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं? अपने बच्चों के विकास की प्रगति को समझने के लिए माता पिता समय रहते उनके मूल्यांकन की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां तक संभव हो बच्चों के प्रशिक्षण में भाग लें और चिकित्सक के साथ अच्छा संचार बनाए रखें ताकि प्रशिक्षण कौशल सीखें। माता पिता अपने बच्चों की ताकत को भी पहचान सकते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। कुछ माता पिता स्वयं सहायता समूहों से भी जुड़ सकते हैं। माता पिता को भी अपने और अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए सामुदायिक सेवाओं का अच्छा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विकासात्मक देरी वाले बच्चों की समय रहते पहचान और हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है।